राम्स नई अस्पताल में महिला की इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के गेट के ताला लगाकर किया विरोध प्रदर्शन। भीलवाड़ा शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा कर दिया। परिजन अस्पताल के मेन गेट के बाहर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए और न्याय नहीं मिलने तक आंदोलन की चेतावनी दे दी। परिजनों का आरोप है कि महिला को एकदम सही हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते महिला की मौत हो गई। उन्होंने अस्पताल प्रशासन पर इन्फेक्टेड खून चढ़ाने का आरोप लगाया है। मामला शहर के रामसनी अस्पताल का है। मृतका के देवर दिनेश वैष्णव ने बताया कि गंगापुर में रहने वाले उनके भाई मुकेश वैष्णव की 36 वर्षीय पत्नी पुष्पलता वैष्णव को खून की कमी के चलते 26 जून को अस्पताल में चेकअप करवाया गया था। डॉक्टर ने बताया कि महिला के खून की कमी है और उन्हें 4 यूनिट खून चढ़ाना पड़ेगा। घर वालों की सहमति मिलने के बाद महिला को करीब 3 यूनिट खून चढ़ाया गया। इस दौरान किसी इन्फेक्शन के चलते महिला की हालत बिगड़ गई और आज महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मृत महिला का भी इलाज जारी रखा, परिजनों को महिला के पास तक नहीं जाने दिया और दोपहर बाद में सूचित किया कि महिला की मौत हो चुकी है। स्टाफ ने परिजनों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। परिजनों को जब महिला की मौत की सूचना मिली तो गुस्साए परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए और फिर अस्पताल के गेट के ताला भी लगा दिया। सूचना मिलने के बाद SHO दिनेश जीवनानी मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश का प्रयास किया, लेकिन गुस्साए लोग शांत नहीं हुए। काफी देर तक हंगामे के बाद CO सिटी अशोक जोशी भी मौके पर पहुंचे। अस्पताल प्रशासन और पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों से समझाइश की जा रही है। परिजनों ने मृतका का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और दोषी डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो महिला के शव का अंतिम संस्कार अस्पताल में ही किया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में परिजनों का प्रदर्शन जारी है। ये मामला हुआ कि 26 तारीख को हमारे बदर की वाइफ को ठीक ठाक थी, लेकिन बिलवर चेक कराने आ रहे थे। 26 तारीख बिल्कुल घर का काम करके सब आए, या आए हॉस्पिटल चेक किया, डॉक्टर प्रमोद जी जैन को दिखाया था, पुनीत जी जैन को दिखाया था। उन्होंने कहा एडमिट कर लो। उन्होंने एडमिट करके जाँच की तो उन्होंने कहा खून की कमी आ रही है, तो उन्होंने बोला 4 बोतल खून की लिख दी, 4 बोतल चढ़ा, 2 बोतल चढ़ा दी, फिर उन्होंने कहा और चढ़ानी पड़ेगी, 1 बोतल और रात को चढ़ाई, उनको रात 12 बजे ICU में एडमिट कर दिया। उसके बाद उनकी रात को क्या तबीयत, नहीं तो हमसे कुछ मिले, नहीं हमसे कुछ जानकारी दी, और सुबह हमको ये कह रहा है कि एक्सपायर हो गया, तो ये तो हो जाता है। वो कह रहा है हम सॉरी, डॉक्टर साहब ये बोला हम क्या कर सकते हैं, हमने कोशिश पूरी की और हमको इतना भी दी, हमारी मदर थी बाहर, उन्होंने कहा हमको एक बार मिलना दो, तो यहाँ का हॉस्पिटल का गार्ड था, उन्होंने धक्का दुम करके बाहर दे रहे, इंसानियत के नाते एक बार भी उनसे सही बात नहीं की। और अकेले आदमी से आज कुछ हो जाता, घटना हो जाती किसी के साथ हो, लेकिन आपका प्रशासन का फर्ज क्या होता है कि उसको तसल्ली दे, चलो उसको विश्वास दे। आज अकेला आदमी हॉस्पिटल को साथ परिवार लेकर नहीं आता, अकेला आदमी आता, कुछ बेचारे मेरी रात को वो कहाँ जाए, सुबह कहाँ जाए, और हमको अभी आप बोल रहे 1,51,000 रुपये ले लो, आप समझौता कर लो, हम 1,51,000 में इतनी कीमती है क्या, हमारी डेड बॉडी कीमत इतनी है क्या, 1,51,000, हमारे साथ न्याय चाहिए भैया, और किसी के नहीं होना चाहिए। और हम जो हमारी भाभी वो गई, उसको वापिस तैयार दो, चलो नहीं आती, लेकिन दूसरे के साथ ऐसा न्याय तो मत करो। आप हॉस्पिटल में कुछ कर रहे हो, भगवान के रूप हम आपको मानते हैं, और आप ऐसी भी इंसानियत कर रहे हो। दिनेश वैष्णव गंगापुर से हूँ।